हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम देखेंगे सीएमएचओ बिलासपुर में आई वैकेंसीज के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा पोस्ट का नाम, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सीएमएचओ बिलासपुर में जो वैकेंसी आई है ये दो प्रकार से आया हुआ है। ये दोनों वैकेंसीज को चलिए देखते हैं, इसके क्वालिफिकेशंस को देखते हैं, इसके एज लिमिट को देखते हैं और जानते हैं कि कैसे आप इन पोस्ट पर सेलेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहला जो पोस्ट है उसका नाम है बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, इसका मतलब है ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक और ये पुरुष वर्ग के लिए आया हुआ है, जिसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10+2 और जो आपके सब्जेक्ट होने चाहिए वो बायो होना चाहिए और साथ ही साथ आपको MPW का जो कोर्स होता है वो आपको किया होना जरूरी है और साथ ही साथ जो स्टेट अथॉरिटी है वहाँ पर आपका जीवित होने का पंजीयन होना जरूरी है। उसके साथ साथ जो दूसरा पोस्ट आया हुआ है उसका नाम है ड्रेसर ग्रेड 1, इसके लिए क्वालिफिकेशन है 10+2 और ये 10+2 इट मीन्स 12वीं के जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो विज्ञान होना चाहिए, इट मीन्स बायो, और साथ ही साथ आपके पास ड्रेसर का जो कोर्स है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसमें इन दोनों पोस्ट के लिए जो एज लिमिट रखा गया है वो है मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम जो है 35 इयर्स। इसके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी और अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग करने वाले, इसका मतलब है SC, ST और OBC, EWS कैटेगरी को बिलोंग करने वाले लोगों के लिए इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है जो कि उनके कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो वो कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिसका लिंक आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो आपके सर्टिफिकेट और आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को स्क्रीनिंग की जाएगी, इसमें जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसका प्रोसेस हम समझते हैं। इसमें क्या होगा कि आपके 10+2 के मार्क्स और आपका जो ट्रेनिंग है उसके मार्क्स को 85% लिया जाएगा उसके टोटल मार्क्स का, और फिर आपका जो एक्सपीरियंस है उसके मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा, और साथ ही साथ अगर आपने कोविड महामारी के दौरान अगर आपने वर्क किया हुआ है तो उसको भी इसमें कंसिडर किया जाएगा। इन तीनों के मार्क्स को कैलकुलेट करके एक मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। यदि आप इस मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन इस पोस्ट के लिए कर दिया जाएगा, लेकिन करने से पहले, इट मीन्स पोस्टिंग से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। इसका मतलब इसके तीन स्टेज हैं, सबसे पहला स्टेज ऑनलाइन अप्लाई करना, दूसरा स्टेज जो है वहां पर आपके कैलकुलेट होगा आपके 10+2 और प्रशिक्षण का 85%, एक्सपीरियंस के मार्क्स और कोविड महामारी के दौरान किया गया मार्क्स, और लास्ट जो है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप ये तीनों स्टेज क्लियर कर जाते हैं सो आपकी पोस्टिंग इन पोस्ट पर हो जाएगी। पोस्टिंग होने के बाद जो आपकी सैलरी होगी चलिए उसके बारे में देखते हैं। अगर आपका सिलेक्शन ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक में हो जाता है तो आपकी सैलरी जो होगी लेवल 5 की होगी, और अगर हम देखें इसका पे ग्रेड का सो वो है 5200 से 2200 रुपए पे ग्रेड में रहेगा, और साथ ही साथ आपको अदर अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। और यदि आपका सिलेक्शन ड्रेसर ग्रेड 1 में होता है तो भी आपके लिए जो सैलरी का जो सैलरी जो है वो भी इसी बेसिस पर बनेगा, लेकिन आपका जो लेवल होगा सैलरी का वो होगा लेवल 4 का, जो कि काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज आपको देगा। तो आपके पास बहुत ही बढ़िया मौका है, तो देखिए इसे, अगर आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो बिल्कुल इसमें अप्लाई कीजिए और एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए। इसका ध्यान रखिएगा लास्ट डेट है 30 जून 2022, ध्यान रखिएगा, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, 30 जून 2022 इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट है और तरीका है ऑनलाइन, तो बिल्कुल ध्यान दीजिए इसे, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। थैंक यू।